नीति आयोग की बैठक छोड़कर निकली ममता बनर्जी, मैं बोल रही थी माइक बंद कर दिया। सरकार बोली आरोप झूठे, बोलने का पूरा मौका मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गईं। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी ने की। इसमें भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक का वॉकआउट करने की वजह बताते हुए ममता ने कहा, बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ मैं शामिल हुई थी। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि मुझे केवल 5 मिनट मिले। ममता ने बताया, जब मैं पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थी तब मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे अपनी पूरी बात नहीं रखने दी गई। क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है? यहाँ मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया। इधर सरकार ने पश्चिम बंगाल की सीएम के इन आरोपों को झूठा बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था। 2047 तक विकसित भारत बनाने में राज्यों की भूमिका अहम, पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की मीटिंग में कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। पीएम ने ये भी कहा कि ये दशक तकनीकी और जियोपॉलिटिकल बदलावों के साथ साथ अवसरों का भी है, देश को इनका फायदा उठाना चाहिए। अपनी नीतियों को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक ढालना चाहिए, ये भारत को विकसित बनाने में मददगार है। INDIA ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मीटिंग का बायकॉट किया। बैठक में INDIA ब्लॉक के राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें MK स्टालिन तमिलनाडु, सिद्धिरमैया कर्नाटक, रेवंत रेड्डी तेलंगाना, सुखविंदर सिंह सिखू हिमाचल प्रदेश, पी विजयन केरल, हेमंत सोरेन झारखंड, भगवंत मान पंजाब और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली शामिल हैं।